आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, आप लोगों को लग रहा होगा कि लाइव क्यों आ गए, छोटी सी वीडियो है तो लाइव क्यों आ गए। थोड़ा मोटिवेट करने के पर्पज से, क्योंकि एग्जाम जब पास होते हैं तो पढ़ाई आपकी जो हो चुकी है वो ऑलरेडी हो चुकी है, अब सिर्फ ब्रशअप करना है। मैक्सिमम बच्चों को ये समझ नहीं आता कि इस टाइम करे क्या, वो डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। ऐसा होता है ना कि आप पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, तो अब आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ तो आता है, पढ़े क्या। तो इसलिए थोड़ा बातचीत करने भी आ गए, क्वेश्चन भी करा देंगे। मैंने एक क्लास कराई थी, उसका लिंक मैं दे दूंगा बाद में। ऐसे करके पढ़ाई थी कि एडम एंड ईव से भी, मतलब उनके टाइम से आते हुए क्वेश्चन, ऐसे 8 मिनट की क्लास थी, उसमें कुछ 7 क्वेश्चन कराए थे, वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। राइट, जो मेन चीज है ये, अभी रिसेंटली जो सीपीओ और आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, नमस्ते सबको, नमस्ते। ठीक है, सवाल पढ़ देता हूं मैं। एक रॉबरी होती है, ठीक है, एक चोर करता है ज्वेलरी शॉप पे, ठीक है, और वो 2 किलो गोल्ड ले लेता है। जो शॉप है ना वो इतनी दूर है, 1125 मीटर दूर है पुलिसमैन से। ठीक है, थीव जो है वो इतनी स्पीड से भाग रहा है और पुलिस जो है वो उसको चेज कर रही है। जब भी चेजिंग की बात होगी तो इस तरीके से होगी कि अगर चोर इधर भाग रहा है तो पुलिस भी ऐसे भागेगी सेम डायरेक्शन में। मतलब कि अगर चोर इधर भाग रहा है, ठीक है, तो पुलिस ऐसे भागेगी, ऐसे समझ लेना। ठीक है, चेज कर रहा है। ओके, इससे आपके रेस के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे एक्चुअली। ठीक है, अब आपने बोला कि जो थीफ है वो एक्स किलोमीटर से, और पुलिस जो है ना वो 11 किलोमीटर पर आर से, सेम टाइम पे पुलिस जो है उसको 810 सेकंड में पकड़ लेती है। तो बताओ कितना डिस्टेंस थीफ ट्रेवल कर चुका। आप मुझे बताओ, अगर पुलिस की जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आ रहा है, यानी कि आप कह सकते हो कि 3600 सेकंड में पुलिस, इतने सेकंड्स में पुलिस 11,000 मीटर भाग रही है। आपको चाहिए कि वो 810, तो मैं इधर 810 इंटू 3600 से मल्टीप्लाई कर दूं। आपने बोला हाँ कर दो, तो इसको भी अगर 11,000 को भी अगर आप 810 इंटू 3600 से डिवाइड कर दो, तो आपने बोला ठीक है बात बन जाएगी। अगर मैं क्या करता हूं, 10 से 10, 10 से 10 और इधर से काट दिया, यहाँ पे 9 से काट दो, उससे काट दो, हाँ 9 से काट दो, यहाँ पे 4 आ गया, और ये 25, 25 इंटू 11 इंटू 9, 225 इंटू 11, यानी 5742, यानी कि पुलिस इतना भागी। पुलिस कितना भागी, 810 सेकंड में, क्योंकि इससे कट जाएगा, 810 सेकंड में पुलिस इतना भागी। इसने पूछा है कि चोर कितना भागा, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे 2475, माइनस कर दूंगा मैं 1125, यानी कि आपने बोल दिया यहां पर कितना आ गया, 1350। आसान सवाल होते हैं ये सारे, और देखते हैं। वेरी गुड, बच्चों का आंसर ठीक है। मेंस तक है वैलिडिटी जो करंट चल रहा है अभी, वो वाला नहीं लेना। 2023 का जिनका टारगेट है वो सबर रखें, 2022 के लिए इस टाइम पे बैचेस अवेलेबल है, वो भी। अब स्पार्टन्स लेने की जरूरत नहीं है, पार्टनर्स लोगे, मेंस तक की वैलिडिटी है, आप सिर्फ सुपर 100 लेंगे, मेंस वाला बैच लेंगे आप। 23, अगर 23 का टारगेट है तो सबर करो थोड़ा। ठीक है, सवाल नंबर 2, वेरी गुड। सवाल नंबर 2, एक चोर है, उसको नोटिस कर दिया पुलिस ने, ठीक है, मतलब एक चोर को नोटिस किया गया पुलिस द्वारा, ठीक है, अभी एक्टिव है या पैसिव है ये भी सोच लिया करो जब आप पढ़ते हो। ठीक है, फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ इतने मीटर दूरी पे उसने देखा, थीफ और पुलिसमैन रन एट अ स्पीड ऑफ, इतनी इतनी स्पीड से रन कर रहा है, तो टाइम टेकन की बात हो रही है। आपने बोला देखो ऐसा है, अगर इसका 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, इसकी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो आप मुझे बताओ जब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 1 घंटे में या फिर 3600 सेकंड में अगर मैं बोलूं तो कितने का गैप जनरेट हो रहा है, इनके बीच का गैप कितना है। आपने बोला 5000 मीटर का गैप जनरेट हो रहा है, 3600 सेकंड में 5000 मीटर का गैप जनरेट हो रहा है।
आपको गैप कितना चाहिए था, आपने बोला ये गैप भरना है मेरे को 350, तो आपने बोला अगर यहाँ पे 350 × 5 ये इससे मतलब 350 × 5000 से इधर कर दो, तो इधर भी कर सकते हो आप 3600 को 350 × 5000, तो आपने बोल दिया ठीक है जी, ये सारा का सारा यहां से कट गया, 7 × 7 = 42, 252 सेकंड्स आंसर आ गया, 252 सेकंड्स, या फिर आप बोल सकते हो कि 4 मिनट और 12 सेकंड खत्म। अगर ले लिया तो उसको मेंस तक स्पीड में आप पढ़िए, हम तो आपको इस तरीके से बोलेंगे ही ना कि मुश्किल है करना, आप हमें गलत ठहराओ, आप ऐसे करोगे नहीं मैं तो कर लूंगा कंप्लीट, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है सर, दो दोस्त मिलके आप वो पॉसिबल नहीं है, ऐप इस तरीके से नहीं है। ठीक है ओके सर, बिल्कुल समझ नहीं आया, रिपीट कर दीजिए। सनी बोल रहे हैं, सनी ये ऑनलाइन क्लास है, आप पीछे करके दोबारा से देख लो। ठीक है, इतने मूर्ख बच्चे होते हैं कुछ वो ये नहीं समझ पाते कि ऑनलाइन क्लास है ये, आप पीछे करके दोबारा से देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक पुलिसमैन ने फिर से थीव को पकड़ना शुरू किया, चेस करना शुरू किया, जो 800 मीटर आगे है। ठीक है, पुलिसमैन और जो थीव है वो इस रेट से भाग रहे हैं, तो बताओ 10 मिनट बाद जो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। आप इधर देखो, आपने बोला देखिए सिंपल सी बात है, 12 और 9 यानी इनके बीच का डिफरेंस है 3 किलोमीटर, या फिर 3000 मीटर का गैप आ जाता है। कब, जब अगर मैं बात करूं 1 घंटे में, या फिर आप ये कह सकते हो कि 60 मिनट्स में, 1 घंटे में आपको चाहिए 10 मिनट में, तो 10 मिनट का मतलब है इसको 6 से डिवाइड कर दो और इसको भी 6 से डिवाइड कर दो, तो आपने बोला इनका गैप कितना होना चाहिए था 500 मीटर का, कितना गैप होना चाहिए था 500, यानी कि जो गैप, अब अगर पुलिस भाग रही है, पुलिस भाग रही है, ठीक है, अगर आप ये देख लो पहले गैप था 800 का, अब वो 500 और, यानी कि जो आंसर आएगा 800 - 500 यानी कि 300 का गैप रह जाएगा। सिंपल सी बात है, पुलिस की स्पीड ज्यादा है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है वेरी गुड यार, रेलेवेंट क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि एग्जाम का टाइम है, रेलेवेंट क्वेश्चन ही कराएंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, शाबाश सबका ही ठीक है, मजाक उड़ा रहे हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करो, इशिता सर इसमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। अब सनी ने बोला था तो हम बता नहीं पाए, लेकिन इशिता ने बोला है तो जरूर बता देंगे, बता देते हैं इशिता को। आपके डाउट का जवाब ये है, ठीक है पीछे करके दोबारा से देख लो। क्वेश्चन नंबर 4, एक चोर है, उसने मतलब थीव सीइंग अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस, 120 मीटर का गैप है उनके बीच में, भागना शुरू करता है 7 किलोमीटर पर आवर और पुलिसमैन इमीडिएटली उसको चेस करना शुरू करता है 8 किलोमीटर पर आवर और पकड़ लेती है। द डिस्टेंस बिटवीन, नहीं डिस्टेंस बिटवीन नहीं, द डिस्टेंस रन बाय द थीव, देखो एक सिंपल सी बात बताओ, 8 का और 7 का यानी 1000 मीटर का गैप है, जब 1000 मीटर का गैप है जब चोर यानी कि थीव कितना भाग रहा है 7 किलोमीटर, मतलब कि जब ये 7000 भाग रहा है, गैप 1000 का है जब 7000 चोर भाग रहा है, तो गैप 120 चाहिए, तो आपने बोला 120 / 1000 कर दो इधर, तो इधर भी अगर मैं 120 / 1000 कर दूंगा तो इससे एक आठ दो 12 × 7 = 840 इज द करेक्ट आंसर, सॉल्व खत्म। सनी बोल रहा थैंक यू सर इज्जत बचा ली मजे ले रहे हैं, अरे कुछ भी नहीं है यार, बहुत ही सिंपल है, लास्ट में सारे क्वेश्चन एक बार फिर से गो थ्रू करा दूंगा। ठीक है 5th क्वेश्चन, ये तो इशिता के लिए था, नेक्स्ट, क्योंकि इशिता को लग रहा है ना वो मतलब बॉय सर तो पिघल जाएंगे। ठीक है
पुलिसमैन ने एक मतलब फिर से वही इतने का डिस्टेंस है चेस शुरू किया 5 मीटर पर सेकंड 8 मीटर पर सेकंड डिस्टेंस कवर्ड बाय, सेम क्वेश्चन है, आपने बोला जब गैप 2 मीटर का है तो चोर 5, चोर का ही पूछा ना डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ, अच्छा पुलिसमैन का पूछा, तो पुलिसमैन का लिख दो, ठीक है, आपने बोला जब गैप 2 मीटर का है तो पुलिसमैन 7 मीटर भाग रहा है, गैप 150 का चाहिए यानी 750 इधर, तो इधर भी 750 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपने बोल दिया यहां पे कितना आ गया 7 × 5 = 35 और 3 × 7 = 49 और 52, ठीक है यहां पर 75 से करना था ना, हाँ 75 से इधर भी 75 से इधर भी, तो आपने सीधा बोल दिया कि इसका मतलब यह है कि मेरा इतना, अब पुलिस इतना कवर कर रही है पहले से 150 था, यानी आंसर है 525 - 150, 150 माइनस कर दोगे 573, 375 सॉल्व, ठीक है। एक और सर वो रेस वाला इसी कंसेप्ट से हो जाएगा, आज एक रोटी ज्यादा खाना, ठीक है। एक थीफ है उसने मतलब फिर से वही स्पॉट किया गया उसको पुलिसमैन ने, 250 का डिस्टेंस है, पुलिसमैन ने उसको चेज करना शुरू किया, थीफ ने भी भागना शुरू किया, आप ये मान के चलिए कि थीफ की स्पीड इतनी है पुलिसमैन की इतनी है, थीफ को कितना भागना पड़ा, बहुत आसान है, फिर से गैप आपने बोला 2000 मीटर का है जब थीफ 10,000 मीटर भाग रहा है, जब थीफ 10,000 मीटर भाग रहा है तो गैप 2000 मीटर का आ रहा है, गैप कितना चाहिए आपको पता है, ये गैप 250 का मतलब मेरे को ओवरऑल खत्म कर देना है तभी, क्योंकि जब 250 का गैप था तो दोनों यहां पे थे, ठीक है, तो आपने बोल दिया ये खत्म कर दो इधर से भी, तो 2000 इसको कर दो 5 से यानी 1250 मीटर यानी 1.25 किलोमीटर खत्म, ठीक है। ये आधी अगर मैं इसकी रिकॉर्डेड वीडियो देता तो ये आधे टाइम में रिकॉर्ड होके आप तक पहुंच जाती, बट क्योंकि आपका एग्जाम है तो आपका माइंड फ्रेश भी करना है इसलिए हम आ गए, ठीक है। और बस ये 6 क्वेश्चन थे यार, मैं इतनी चीजें करा चुका हूं आप बिलीव ही नहीं करेंगे, कुछ चीजें हम जानबूझ के नहीं बोलते क्योंकि बोलेंगे उस बोलने से ना वो उस बात की वैल्यू खत्म हो जाती है, आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि क्या क्या करा चुके हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अब मैं एक वीडियो और दूंगा वो कमेंट सेक्शन में पिन करूंगा, 8 मिनट की वीडियो है उसमें 7 क्वेश्चन है इसी टाइप के, वो भी देख लेना, ठीक है, मेरे कहने से देख लेना, फटाफट से देख लेना। आई होप कि आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा, सेशन को लाइक कर दो और बस जो भी है ये सारी चीजें लिखी हुई है ये सब कर दो, ठीक है। सर अटानो प्रिवेंटिव ऑफिसर बन गए, शाबाश सुशांत, वेरी गुड वेरी गुड। पूरा पढ़ देता हूँ, सीजीएल 18-19 लगभग 45 एग्जाम में फेल होने के बाद फाइनली सीजीएल 20 में प्रिवेंटिव ऑफिसर बन गए, थैंक्स टू यू ज्वाइन करने के बाद मिलने का मौका, हाँ बिल्कुल आ जाइए मिल लेंगे, वन ऑफ योर सुपर 100 स्टूडेंट सुशांत, सुशांत बिल्कुल, अगर आप ये लास्ट वाली लाइन नहीं भी लिखते कि आप सुपर 100 से नहीं हो तब भी मैं बोलता, ठीक है, आ जाइए कोई दिक्कत नहीं है, ओके चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद, मेरा नाम अभास सैनी है, ओवरबल मैथ भाई अभास सैनी में आप सभी का स्वागत है, आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 के 6, ठीक है, आपको 3 नंबर दे के जाएंगे मेंस में और अगर प्री में आएंगे तो 2 नंबर दे के जाएंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, कंसेप्ट आपको मैं बता देता हूं पहले कि कंसेप्ट क्या है, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। आज से कुछ साल पहले 2-2.5 साल पहले मैंने एक प्रोडक्ट फॉर्मूला नाम का कंसेप्ट दिया था जिसके हिसाब से मैंने ये बोला था, प्रोडक्ट फॉर्मूला नाम गूगल मत करने लग जाना, ऐसे ही नाम दिया है कंसेप्ट की वजह से नाम दिया, आपको पता चल जाएगा क्यों नाम दिया है, ठीक है।
नाम इसलिए दिया इसका क्योंकि इस कंसेप्ट के हिसाब से अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से चल रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट यहां से चल रहा है तो वो मिलेंगे, तो मिलने से पहले के जो भी टाइम लगा, मान लो ये 3 घंटे चला, ये 4 घंटे चला, ठीक है, तो मिलने से पहले का 3 और 4 का प्रोडक्ट, और मिलने के बाद मान लो दोनों सेम टाइम पे, ये इसको 3 घंटे यहां चला, 4 घंटे यहां पहुंचा, अब उसके बाद उसने बोला मिलने के बाद ये टी चला और ये भी टी चला, तो मिलने के बाद का प्रोडक्ट टी इंटू टी। तो कहने का मतलब ये है, कंसेप्ट इतना छोटा है कि मिलने से पहले के समय का प्रोडक्ट, मान लो कि T1 into T2, मिलने के समय के प्रोडक्ट के, मतलब मिलने के बाद जो समय लगेगा उसके प्रोडक्ट के बराबर है। हो सकता है कि ये भाषा भी आपको समझ में ना आ रही हो, तो हम क्वेश्चन का सहारा लेंगे तब आपको समझ में आएगा। सवाल है, पहला सवाल कहता है, देखो सिंपल सी बात है, कार ए जो एक्स से वाई की तरफ जा रही है 11 बजे चलती है, कार बी जो वाई से एक्स की तरफ जा रही है वो 1:08 पे चलती है, और दोनों मिलते हैं 2:20 पे। आप समझ गए कि अगर पहली कार 11 बजे चली और 2:20 पे पहुंची तो इसका मतलब 3:20 चली, 3:20 को मैं ऐसे भी लिखता हूं, 320/60 1/R में कर रहा हूं, तो 10/3 चली पहली कार, और दूसरी कार 1:08 पे चली और ये भी 2 बजे पहुंच गई, 2:20 पे पहुंच गई, 2:20 पे, तो इसने 1:12, तो आपने बोल दिया इसको भी कन्वर्ट कर दो 1/5, यानी दूसरी कार, पहली कार 10/3 चली और कार बी 6/5 चली, ऐसा ये बोल रहा है। अब इसने बोला मिले इतनी बजे, उसके बाद दोनों अपने अपने जो डेस्टिनेशन था, मतलब ए कार एक्स से वाई पहुंच गई और बी कार वाई से एक्स पहुंच गई सेम टाइम पे, आपको नहीं पता कितने बजे, तो कितने बजे ए पहुंचेगा या बी पहुंचेगा सेम ही आंसर आएगा। तो आपने बोला देखो ऐसा है, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट फॉर्मूला, मैं बड़े आराम से पढ़ा रहा हूं ताकि सबको समझ में आए, इसलिए थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं, वरना आप तुरंत कर सकते थे, ठीक है, और इसलिए भी स्लो पढ़ा रहा हूं, आधे बच्चों को पता होगा क्योंकि स्पार्टन्स का बैच आ रहा है, ठीक है, 25 तारीख से, तो वो थोड़ा उन लोगों के लिए जो थोड़ा धीरे धीरे चीजें समझते हैं उनके लिए, ठीक है, और लेकिन बहुत आगे तक चले जाते हैं। तो आपने बोला मिलने से पहले इसको 10/3 लग रहा है, इसको 6/5 लग रहा है, मिलने के बाद, क्योंकि मिलने के बाद जब सेम डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे इसका मतलब क्या है, दोनों को सेम टाइम लगेगा, मान लो इसको टी इसको भी टी, तो आपको पता चल गया यहाँ पे 2 और 2 यानी टी स्क्वायर की वैल्यू 4 है, यानी कि टी की वैल्यू 2, यानी 2:20 पे मिलने के बाद 2 घंटे और लगेंगे, यानी 4:20 पे आपका 4:20 आपका आंसर आ गया, 4:20 पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एक ट्रेन 8 बजे निकलती है ए से और अपने डेस्टिनेशन पे 12 बजे पहुंच जाती है, कार जो बी है वो 8:30 निकलती है और ए पर सेम टाइम पे, अब देखो सेम टाइम पे पहुंचते हैं, मतलब वो भी 12 बजे पहुंच जाती है, तो पहली ट्रेन एक तरीके से 4 घंटे चली और दूसरी ट्रेन आपकी 3:30 चली। आपने बोला देखो बीच में ये मिले होंगे और मिलने के बाद, क्योंकि अलग अलग टाइम, एक 8 बजे चल रही है, एक 8:30, तो पहले अलग अलग टाइम पे चले, लेकिन मिलने के बाद दोनों ने इक्वल टाइम लिया इसको इधर पहुंचने में और उसको इधर पहुंचने में। तो आपने बोला कि मान लो मिलने के बाद का टाइम है एक्स आर्स, मिलने के बाद का, तो मिलने से पहले 4 - x आर्स ये चली और 3:30 - x आर ये चली, मिलने के बाद ये भी एक्स चली, ये भी एक्स चली, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो आपने बोला 14 और 4, इसको अगर सॉल्व करोगे कितना आएगा, 7.5x और यहां पर -x² + x² हो गया और ये भी x² x² से x² x की वैल्यू 14/7.5, तो 14 15/2 ये आ गया, 28/15 आंसर आ गया। लेकिन अगर मैं टाइम को इसको मिनट्स में निकालूं तो 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 60 से 15 4 8 8 6 32 और यहां पर आ गया 3 8 8 8 112, यानी कि x की वैल्यू है 112 मिनट। तो कितने बजे मिले होंगे, दोनों 12 बजे पहुंचे, तो 112 का मतलब है कि 60 मिनट और 52 मिनट, तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि 1 घंटे और 52 मिनट। तो आप बोलोगे 12 में से 1 घंटे 52 मिनट्स माइनस कर दो, 10
10:08 पे मिले होंगे। फिर से समझो इस क्वेश्चन को कि अगर मैं बात करूं, आपने बोला ये यहां से चला, यहां पे कहीं पे मिले, ये यहां से चला, एक को लगे थे जी 4 घंटे, एक को लगे थे 3 घंटे, 3.5 घंटे, ठीक है। आप मेरे को बताओ ये कुछ चला होगा, मैंने मान लिया ये चला था 4 - x hours पहले, और ये कितना चला था, ये चला था 3.5 - x hours, और उसके बाद क्योंकि दोनों ही 12 बजे पहुंचे हैं, ये वाला इधर 12 बजे पहुंचा, ये वाला इधर, तो मिलने के बाद दोनों x और x चले, तो आपका जो अगर आपने x निकाल दिया तो आंसर कितना आएगा, 12 में से x माइनस कर दो, 1 घंटे 52 मिनट माइनस कर दिए थे 12 में से, तो 10:08 पे पहुंचे थे। आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ 2 मिनट में आपको कंसेप्ट आ जाएगा, तो बहुत ही गलत है। जब तक आप इस वीडियो को कम से कम 3-4 बार नहीं देख लोगे तब तक आपको बहुत अच्छे से नहीं समझ में आएगा। अगर इतना ही आसान होता तो पूरी दुनिया कर लेती है एसएससी क्लियर। आप सोचो कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो आपको रिवाइज पे बहुत ध्यान देना है। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं फटाफट। दो लोग हैं और 8 किलोमीटर दूरी पर हैं एक दूसरे से, एक दूसरे की तरफ चलते हैं, सेम टाइम पे चलते हैं, तो पहला वाला दोनों मिलते हैं 30 मिनट बाद, यानी पहले वाला भी 30 मिनट चला, दूसरे वाला भी 30 मिनट चला, ये मिलने से पहले 30-30 मिनट चले, मिलने के बाद कितना कितना चले, बी को ए पहुंचने में 32 मिनट ज्यादा लगे, अच्छा नहीं नहीं टाइम टेकन बाय बी टू रीच ए इज, मतलब अगर मान लो कि ए को लगे एक्स तो बी को लगा एक्स प्लस 32, तो आप इसको बोल दोगे जब इसको ब्रेक करोगे तो 900, और यहां पे या तो आपकी मर्जी है कि या तो आप ऐसे करके क्वाड्रेटिक बना लो, या फिर इसको आप 18 × 50 बन जाए, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि x की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये ज्यादा आसान है, इसको मैं लिख देता हूं 18 × 50 और फिर लिख देता हूं x × x + 32, तो आपको पता चल गया x की वैल्यू 18 आ गई, ठीक है 18 मिनट। अब आप देखो कि अगर स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोनों के बीच की दूरी कितनी 8, डिस्टेंस 8 है, टाइम पहले कितना टाइम लगता था 30, बाद में कितना टाइम लगा ए को x यानी 18, तो आप बोलोगे 18/60 क्योंकि ये किलोमीटर में है, ये आर में कर दिया मैंने, तो आपने बोल दिया 4/5 और यहां पे 2, 5 × 10, 10 की स्पीड है, खत्म। फिर से देखो हमने किया क्या, मिलने से पहले का समय है 30 और 30, मिलने के बाद का समय है x और एक को लगा x प्लस 32, तो x की वैल्यू 18 आ गई, यानी कि जो a था उसको पहले 30 मिनट लगे फिर 18 मिनट लगे, यानी a को पूरे 48 मिनट लगे 8 किलोमीटर ट्रेवल करने में। तो अगर स्पीड पूछोगे तो आप बोलोगे स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 8 किलोमीटर 48 मिनट है तो 48/60 कर दिया, इसलिए आपको a की स्पीड 10 किलोमीटर पर आर मिल गई। अगर b की पूछता तो आप बोल देते कि b की कैसे निकलेगी, अगर b की पूछ रहा है तो आप बोलोगे b को लगे 30 और उसके बाद आपने बोल दिया x प्लस 32 यानी कि 50 और यानी कि 80 मिनट लगे, तो आपने बोला b को 8/80 × 60, तो आपको पता चल गया 10 यानी कि b की स्पीड है 6, b थोड़ा कम स्पीड से चल रहा है। आगे चलते हैं, ठीक है कितने क्वेश्चन हो गए, 3, आगे चलते हैं। एक पैदल चलने वाला यात्री है और एक साइक्लिस्ट है, दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया, एक साथ, ठीक है, और टुवर्ड्स ईच अदर एक दूसरे की तरफ, ठीक है, एक औरंगाबाद से चल रहा है, एक पठान से चल रहा है, दोनों 40, डिस्टेंस 40 किलोमीटर है, ठीक है, और 2 घंटे बाद वो मिलते हैं, यानी पहले दोनों के दोनों, पहले वाला भी पैदल वाला भी 2 घंटे चला और साइकिल पे चलने वाला भी 2 घंटे चला, दोनों 2-2 घंटे चले, ठीक है। उसके बाद इसने बोला कि अगर, उसके बाद उन्होंने अपनी जर्नी रिज्यूम करी, साइकिलिस्ट जो है वो औरंगाबाद इतने मिनट पहले पहुंच गया, यानी आप ये कह सकते हो कि पैदल वाले को ज्यादा टाइम लगेगा, साइकिल वाले को लगा एक्स और पैदल वाले को लगा एक्स प्लस 32 है कितना है, नहीं एक्स प्लस 7.5, तो आप समझ गए 4 = x × x + 7.5, तो मैं इसको कह सकता हूं आधा, x की वैल्यू 0.5,
ठीक है, x की वैल्यू 0.5 यानी आधा 0.5 आवर्स, आधा घंटा। तो आप मेरे को बताओ कि स्पीड ऑफ पैदल यात्री वाली, तो स्पीड अगर निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 40। पैदल चलने वाले को पहले 2 घंटे लगे, उसके बाद कितना टाइम लगा, यानी 2 घंटे पहले लगे और x की वैल्यू आधा यानी 8 घंटे फिर लगे, यानी कि पैदल चलने वाले को 10 घंटे लगे। तो 40/10 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर पैदल चलने वाले की स्पीड है। और इसी में अगर मैं आपसे पूछ लेता साइकिल की कितनी है, तो आप बोलते थे 40, और साइकिल को कितना टाइम लगेगा, पहले 2 घंटे लगे और बाद में आता यानी कि 2.5, यानी आप बोलते थे कि यहाँ पे कितना है 2.5। तो जब आप इसको डिवाइड करते थे तो साइकिल का आ जाता। नेक्स्ट, ठीक है, ओके, दो साइकिलिस्ट हैं, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, 3 घंटे 20 मिनट बाद मिलते हैं। 3 घंटे 20 मिनट बाद का मतलब है आपको सबसे पहले 10/3 आवर्स समझ लेना है, यानी पहले भी, पहले वाला भी 3 घंटे 10/3 आवर्स चला, बाद वाला भी 10 बाय 3 आवर्स चला, मिलने से पहले इतनी इतनी देर चले, मिलने से पहले। मिलने के बाद इसने बोला कि सेकंड वाला साइकिलिस्ट है उसको कितना टाइम लगेगा, इफ द फर्स्ट अराइव एट द प्लेस ऑफ डिपार्चर ऑफ द सेकंड 5 आवर्स लेटर, यानी एक को मिलने के बाद अगर ये इसको एक्स लगा तो दूसरे वाले को एक्स प्लस 5 लगा। तो आप यहां पे जब सॉल्व करोगे तो ये 100/3, अगर मैं एक्स की वैल्यू 5/3 पुट कर देता हूं, 5/3 यहां पे 2 20/3, ठीक है आ गया। तो एक्स की वैल्यू 5/3, तो आपको पता चल गया पहले 10/3 आवर्स चला, उसके बाद 5/3 आवर्स चला, तो 15/3 यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 5 घंटे लगे, आंसर है 5। खत्म, कुछ नहीं कर रहा मैं, मिलने से पहले के समय का प्रोडक्ट, मिलने के बाद के प्रोडक्ट, समय के प्रोडक्ट के बराबर है, सिंपल सिंपल। ट्रेन एक्स और ट्रेन वाई ट्रेवल फ्रॉम स्टेशन ए टू बी और वाइस वर्सा, एक इधर से चल रही है इधर से, आपने फ्रेम समझ लिया। जो ट्रेन एक्स है वो 8 बजे चली और ट्रेन वाई है वो 10 बजे चली, मिलने के बाद एक्स को 2.5 घंटे, यानी मिलने के बाद एक को 2.5 घंटे लग रहे हैं और दूसरे वाले को 6। मिलने से पहले का देखो, मिलने से पहले अगर एक 8 बजे चल रही है और दूसरी 10 बजे चल रही है, यानी 2 घंटे का गैप है, तो आप बोल सकते हो कि अगर एक चला एक्स तो दूसरे वाला एक्स प्लस 2 चला, खत्म। तो आपने बोला ठीक है यार, अगर मैं इसको 2.5 गुना करूंगा 15, यानी x इंटू एक्स प्लस 2, यानी x की वैल्यू 3 आ गई। क्या किया मैंने, एक अगर x चला, एक x प्लस 2, क्योंकि एक अगर 8 चला एक 10 चला तो एक 2 घंटे फालतू चला ना मिलने से पहले। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा 3, तो आप बोलोगे किसका पूछा है इसने, फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन एक्स। तो ट्रेन एक्स की अगर मैं बात करूं, 8 बजे चली थी, तो ट्रेन एक्स चली थी एक्स प्लस 2 यानी 5 घंटे पहले चली और 2.5 घंटे बाद में चली ट्रेन एक्स। तो आपने बोल दिया 7.5, ठीक है, क्वेश्चन खत्म। ये मेरा आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है, और एक सारे क्वेश्चन एक बार फटाफट से रिवाइज करा देते हैं कि हमने किया क्या। बस एक ही चीज करी, मिलने से पहले का समय मिलने के बाद के समय के बराबर, समझाया थोड़ा सा, मिलने से पहले का समय मिलने के बाद के समय के बराबर, मिलने से पहले का समय मिलने के बाद के समय के बराबर, दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, मिलने के पहले का समय ये इतनी इतनी देर चले, मिलने के बाद ये इतनी इतनी देर चले, ठीक है, मिलने के पहले ये इतनी इतनी देर चले, मिलने के बाद ये इतनी इतनी देर चले, और मिलने के पहले ये इतनी इतनी देर चले, मिलने के बाद इतनी इतनी देर चले। एक्चुअल में क्या होता है, देखो दो रास्ते होते हैं पेपर क्लियर करने के, मैथ्स को पकड़ बनाने के। एक कि या तो आप पूरी पीएचडी कर दो, बहुत ही डेप्थ में चीजें सीख लो, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको स्पीड चाहिए होगी। मान लो एक ज्ञान दे रहा हूं मैं, ठीक है, कि मान लो किसी को बहुत अच्छी मैथ्स आती है और एक को एक मेहनती है, एक को मैथ्स बहुत अच्छी आती है, स्टिल जब वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आएगा तो उसको ये वाले क्वेश्चन स्पीड में करने होंगे। एक जो मेहनती है, ठीक है, उसको मैथ्स अच्छी नहीं आती लेकिन उसने मेहनत करके इस टाइप की ट्रिक्स पे पकड़ बना ली, ठीक है,
तो उसको भी स्पीड ही चाहिए, ठीक है? तो आप समझ रहे मेरी बात सारी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज ब्रेन. आपको यह सोचना पड़ेगा कि हमें ईगो पे नहीं लेना. कई बार अगर हमें कुछ चीजें टिपिकल लगती हैं तो जो सबसे ज्यादा टिपिकल चीज होती है वो सबसे आसानी से हो जाती है, ठीक है? आई होप कि आपको मजा आया होगा, और कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप इस टाइप की और ट्रिक्स चाहते हैं तो आप बताना. चलिए, थैंक यू सो मच. सेशन डिसमिस. बाय बाय. आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद. मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है. आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है. एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए. अब जब भी मैं ये बोलता हूँ मुझे हंसी आ जाती है क्योंकि बच्चे बहुत मजाक उड़ाते हैं. चलो कोई बात नहीं, अब सारा मजाक हम थोड़ी उड़ा सकते हैं, आप भी उड़ाओ थोड़ा बहुत. एक चीज देखो, अभी एक मेरे स्टूडेंट ने पूछा कि 10 बजे, कुछ लोग 10 बजे एनालिसिस कर रहे थे आज सुबह पहली शिफ्ट का, तो 2 के वॉचिंग कैसे आ रही थी? तो इसका बहुत ही सिंपल सा, देखो हम सिर्फ मैथ्स के सोल्यूशन नहीं देते या रीजनिंग के सोल्यूशन नहीं देते, हम आपकी जिंदगी की जितनी भी परेशानियां हैं चाहे वो महिला मित्र से रिलेटेड हो या कैसी, उन सबके उत्तर देते हैं हम, ठीक है? अब कैसे देते हैं वो आपको खुद समझना चाहिए कि भुक्त भोगी है, ठीक है? तो इसका सिंपल सवाल आंसर है, पेरेंट्स भी देखते हैं भाई, पेरेंट्स देख रहे होंगे, तो इसमें कोई गलत नहीं है. मतलब आपको अगर अचंभा हो रहा है कि 10 बजे तो बच्चे बाहर ही नहीं आए और तब भी इस तरीके से कैसे इतने व्यू कैसे आ सकते हैं, वॉचिंग इतनी कैसे आ सकती है, बच्चे तो देख नहीं रहे, तो उनके पेरेंट्स देख रहे होते हैं जिनके बच्चे अंदर होते हैं, ठीक है? पढ़े लिखे पेरेंट्स आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स की तरह नहीं कि भाई थोड़ा नॉर्मल है और उनको फोन वोन चलाना नहीं आता, बट कईयों के तो पेरेंट्स भी पढ़े लिखे होते हैं तो समझ सकते हो आप. तो शुरुआत करते हैं. देखो ये कुछ 9 क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट जो पेपर है ना यार उसके क्वेश्चन डाल दिए, ठीक है? लेटेस्ट का मतलब है जो ऐसे अभी दिल्ली पुलिस का हुआ था और हाल फिलहाल में जो और भी लेटेस्ट चल रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट्स की बात अगर हम करें तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. तो शुरुआत करते हैं, मैं बेसिक से बताऊंगा बिल्कुल, और मतलब सोल्यूशन देख के आपको लगेगा कि बहुत आसान है बट सारी चीजें बताएंगे, ठीक है? अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, सुनना. अच्छे लेवल का तो अपन कर चुके हैं, ठीक है? गीता रन्स 5/2 टाइम्स एज फास्ट एज बबीता, ठीक है? गीता है, बबीता है, ठीक है? तो जो गीता है वो 5/2 टाइम्स रन, मतलब उसकी जो स्पीड है इतनी है कि बबीता अगर 2 यूनिट भागती है तो गीता 5 यूनिट भाग जाती है, ठीक है? एक रेस के अंदर गीता ने 40 मीटर की लीड दे दी. देखो लीड देने का मतलब क्या होता है, लीड देने का मतलब होता है कि मान लो एक है जो ऑर्गेनिक तरीके से भाग रहा है, ठीक है, और एक है मान लो कुछ भी लिखने वाला था कुछ में पर ठीक है, एक अनऑर्गेनिक तरीके से भाग रहा है. तो आपको यह देखना है कि अगर मैं इसको लीड दे देता हूं, लीड मान लो 40 मीटर की लीड दे देता हूं, मैं बोलता हूं तू काम कर 40 मीटर आगे से भाग, तो जब 40 मीटर आगे से भागेगा बंदा तो सेम टाइम पे पहुंचेंगे फिनिशिंग लाइन पे. आपने फिर से समझो, फिर से समझो, जैसे मान लो 1000 मीटर की रेस है, आपने बोला एक है ए एक है बी, ए ने मतलब कि लीड दे दी बी को, लीड टू ए गिव लीड टू बी, और कितने मीटर की मान लो 50 मीटर की, तो आप समझ जाना सेम टाइम पे अगर ए पूरा 1000 भाग रहा है ना तो बी 950 भागेगा, ठीक है? तो अब आप देखो कि अगर ऐसी बात है कि 40 मीटर की लीड दे दी बी को, अब बताओ कि कितनी दूरी पे वो मिलेंगे, तो आपको समझ जाना है. अब मैं एक चीज और बताता हूं, एक थ्योरी और बताता हूं कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो आप एक चीज समझना कि अगर टाइम कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है रेस में कि जैसे ही बंदूक की गोली चलेगी ढिशकियां हूं तभी भागे, तो टाइम कांस्टेंट का मतलब है एक टाइम पे, मतलब 9 बजे भागे दोनों, 10 बजे भागे दोनों, तो टाइम कांस्टेंट होता है. तो आप बोलोगे उस केस में स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस की हो जाती है. तो आपको पता चल गया अगर ऐसी बात है तो इसकी स्पीड अगर 5 या 3, यानी कि जितनी देर में ये 5 यूनिट कवर करेगा उतनी देर में ये 2 यूनिट कवर करेगा,
तो तीन यूनिट डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, देखो तीन यूनिट डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है आपको 40, तो आपको पूछा कितनी देरी पे मिलेंगे, ये तब मिलेंगे जब ये पांच कर लेगा, तो पांच की वैल्यू, तीन की वैल्यू 40 है तो पांच की वैल्यू हो गई 200/3, तो आंसर कितना आ गया 66.67। फिर से समझो एक बारी कि यदि सेम टाइम पर दोनों सेम टाइम पे भागते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं होता रेस में कि 1-9 बजे से भाग रहा है, 1-9-5 पे भाग रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, 9 बजे या 10 बजे किसी भी टाइम पे, एक सेम टाइम का मतलब है कांस्टेंट, तो टाइम कांस्टेंट का मतलब होता है कि स्पीड इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी कि ये अगर स्पीड का रेशियो था ना ये, तो ये डिस्टेंस का भी रेशियो सेम ही आएगा, डिस्टेंस का भी रेशियो सेम आएगा। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आप ट्राई करो, दूसरा क्वेश्चन फिर मैं बताता हूं ये क्या कर रहे हो आप, स्पैमिंग मत करो, लास्ट में देख लेंगे इसको, कुछ भी नहीं है, पहले आप देख तो लो, क्या पता मैंने इस टाइप का पहले ही कवर करा दिया हो, रोना शुरू कर देते हो पहले ही, ठीक है, मतलब पहली डेट पे आप इस तरीके की डिमांड कर लेते हो, गलत बात है ना सर। आप जैकेट कौन सी साइट से खरीदते हो यार, ये आप ये सब काम आप देखो, शादीशुदा लोग खुद कुछ नहीं खरीदते, ठीक है, उनकी जिंदगी में खुद कुछ नहीं होता, उनका सेल्फ गायब हो जाता है। ए और बी 12 किलोमीटर की रेस एक सर्कुलर ट्रैक पे भागते हैं, सर्कुलर ट्रैक है 1200 मीटर का, ठीक है, 12 किलोमीटर की रेस, तो इतना सा पढ़ते ही आपको पता चल गया कि एक तरीके से एक राउंड 1200 मीटर का है और 12 किलोमीटर की बात, यानी और इसको 1.2 किलोमीटर की बात कर रहे हो, तो 1200 इसको छोड़ो आप ऐसे लिखो, 12 किलोमीटर के लिए एक तरीके से 10 राउंड रहेंगे, ऐसे समझ लो, पहली लाइन का मतलब ये। आगे पढ़ते हैं, दे कंप्लीट वन राउंड, पहला 300 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है, दूसरा 400 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है, कितनी देर बाद स्टार्टिंग से जो फास्टर पर्सन है वो मिलेगा स्लोअर पर्सन से लास्ट टाइम, फर्स्ट टाइम नहीं लिखा, आप समझो इस चीज को समझो, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया, मैंने सिर्फ ये बताया कि पहली लाइन का मतलब है कि एक राउंड इतने का है तो 10 राउंड रहेंगे और रेस खत्म हो जाएगी, 10 राउंड में रेस खत्म हो जाएगी। आप ये देखो, ए को एक राउंड में 300 सेकंड लग रहे हैं एक राउंड में, तो 10 राउंड में इसको 3000 सेकंड लगेंगे, बस 3000 सेकंड में रेस खत्म कर देगा, ऐसे समझो 3000 सेकंड में रेस खत्म कर देगा। तो आप मुझे बताओ कि अगर एक को 300 लग रहे हैं और एक को 400 लग रहे हैं, तो आप जब एलसीएम लोगे, यानी कि पहली बार कब मिलेंगे, 1200 पे, तो आपने बोल दिया इसका मतलब है पहली बार मिलेंगे 1200 सेकंड के बाद, दूसरी बार मिलेंगे 2400 सेकंड के बाद, तीसरी बार मिलेंगे 3600 सेकंड के बाद, लेकिन 3600 सेकंड तक तो रेस खत्म हो चुकी है, 3000 पे ही रेस खत्म हो चुकी है, तो ये फर्स्ट मीटिंग थी, ये लास्ट मीटिंग, या फिर सेकंड, या फिर लास्ट कह सकते हो, तो आंसर आ गया 2400 सेकंड, खत्म। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वो दिन दूर नहीं जब भाई मेरे चैनल का भी प्रमोशन कर दो, चैनल का नाम है कलेक्शन ऑफ एजुकेशन। ओके, अच्छा काम करोगे यार, प्रमोशन यार कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रमोशन ले लो हमसे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, काम अच्छा करो, ठीक है, मैं तो दे देता हूँ शॉर्ट आउट, बहुतों को दे देता हूँ, ठीक है। अब कुछ बच्चे वो फैन क्लब चला रहे हैं, वो बोलते रहते हैं सर एक बार बोल दो, हम वो भी बता देते हैं। एक रेस है 1200 मीटर की, राम शाम को 200 मीटर या 20 सेकंड से हराता है, यानी कि सिर्फ शाम के बारे में आप लिख सकते हो कि शाम 200 मीटर कवर कर सकता है 20 सेकंड में, यानी कि शाम 200 मीटर कवर करता है 20 सेकंड में, पहली लाइन का मतलब है, यानी कि आपको पता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि जो शाम की स्पीड है वो 200/20 यानी 10 मीटर सेकंड पर सेकंड है, पहली लाइन से ही पता चल गया। सपोज करो कल को ऐसे क्वेश्चन आने लग गए, मान लो आज से 5 साल बाद आप तो किसी डिपार्टमेंट में बैठे होंगे, लेकिन हम 5 साल बाद भी पढ़ा रहे होंगे, 5 साल बाद मान लो डेटा सफिशियंसी वाले क्वेश्चन आ जाएं, डेटा सफिशियंसी का मतलब होता है कि बैंकिंग में जैसे आते हैं कि भाई इतने डेटा से, इस डेटा से मैं कितनी चीजें निकाल सकता हूं, तो आपने बोला कि ठीक है, पहली चीज तो आप ये निकाल सकते हो कि शाम की
स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पहली लाइन पढ़ते ही। लेकिन अब ये राम की पूछ रहा है, तो आप एक चीज समझो, रेस है 1200 मीटर की, ठीक है, शाम की स्पीड है, शाम की स्पीड है, शाम की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, जो राम होगी उसकी 10 से ज्यादा होगी या कम होगी? ऑप्शन से भी दिख रहा है, आप बोलोगे ज्यादा होगी, 10 तो बिल्कुल नहीं होगा, ये सिली मिस्टेक है, ये एक सिली मिस्टेक के लिए डाला गया है, ठीक है। आपसे पूछा राम की स्पीड, तो आप बोलोगे राम की स्पीड बढ़ेगी, किस फैक्टर से बढ़ेगी? अगर जितनी देर में राम 1200 मीटर भागता है उतनी देर में शाम 1000 मीटर भागता है, यही तो है। तो आपने बोल दिया इसका मतलब काट दो 1130 से 30, यानी कि जो राम की स्पीड है वो है 12 मीटर पर सेकेंड। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप सबसे पहले तुरंत जो इसकी मतलब जिसको वो हरा रहा है उसकी स्पीड लिख देना और बस एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यार ये कर क्या रहा है बच्चा, इतनी स्पैमिंग क्यों कर रहे हो भाई, कुछ नहीं पढ़ पा रहा मैं किसी का भी मैसेज, वेरी बैड। अब कोई भी स्पैमिंग करेगा मैं सीधा ब्लॉक मार दूंगा, ठीक है। सेशन को लाइक कर दो, अगर स्पैमिंग करनी है तो लाइक कर दो, आपके पास 10-20 आईडी है ना, उन 10-20 आईडियो से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, स्पैमिंग करनी है तो। नेक्स्ट सर, कट ऑफ कितनी जाएगी अभी कैसे बता सकते हैं आप? ये छोड़ दो, आप छोड़ दो कट ऑफ के बारे में, छोड़ दो, अगर पेपर हो गया है तो मेंस की तैयारी कल से शुरू हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर पेपर नहीं हुआ है तो आपको सिर्फ रिवीजन करनी है, एक फिक्स टाइम बना लेना, एक ट्रस्टवर्दी गाय को फॉलो करो, उसकी बातें सुनो, काम खत्म, ठीक है। ए गिव बी अ हेड स्टार्ट ऑफ 10 सेकंड। अब अभी मैंने आपको बताया था कि या तो हम ये बोलते हैं कि भाई एक काम कर, 10 या 50 मीटर आगे से भाग, तू आगे से भाग, मैं यहां से भागूंगा, ठीक है। एक इस तरीके से कर सकते हैं कि उसने बोला कि आप 10 सेकंड आप भागो, फिर मैं भागूंगा, ठीक है, हेड स्टार्ट ऑफ 10 सेकंड। तो ए ने बी को 10 सेकंड का स्टार्ट दे दिया 1500 मीटर की रेस में, ठीक है। बोथ फिनिश द रेस एट द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पर रेस को खत्म करते हैं, ठीक है। और आपको बोला गया कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द रेस इफ द स्पीड ऑफ बी इज 6। मछली की आंख पे अटैक करो, कैसे? आपने बोला जब इसके बारे में दे रखा है और इसके, यानी कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बी के बारे में मेरे को स्पीड भी दे रखी है और बी ने 1500 मीटर की एक तरीके से डिस्टेंस भी कवर करा, तो बी का टाइम निकाल देते हैं। तो आपने बोला बी का टाइम है 1500 डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है 6। तो आपने बोल दिया जी यहां पर आ गया 250, यानी कि 250 सेकंड में बी कवर कर रहा है। पेपर का क्वेश्चन है, सारे पेपर के क्वेश्चन है, सर बी 250 सेकंड में कर रहा है और आपको पता चल गया ए ने 10 सेकंड, ए से 10 सेकंड फालतू भागा है, तो ए कितने सेकंड में करेगा? 240 सेकंड में। बच्चे इस क्वेश्चन को तब नहीं कर पाते जब वो कंफ्यूज हो जाते हैं लैंग्वेज में, अगर आप लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाओगे तो मुश्किल है। तो आपने बोला कि जो दे रखा है मछली की आंख पे अटैक करो सीधा, बी 250 सेकंड में तो ए 240 सेकंड में। आपसे यही पूछा है कि ए मिनट में कितना टाइम लेगा, तो 240 का मतलब है 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट्स पढ़ लेते हैं अपने। सीएचएसएल कैंडिडेट के लिए कुछ है सर जी? सेम ही होता है यार, हम तो सीजीएल को फॉलो करते हैं बट हर तरीके के बच्चे बैच लेते हैं, आप विश्वास नहीं करोगे कि कैट के स्टूडेंट्स भी हैं मेरे, ठीक है। तो कुछ देखा ही होगा, हर तरीके के बच्चे हैं, जो भी मैथ्स पढ़ते हैं, जहां पे भी मैथ्स आती है, हर तरीके के बच्चे हैं, ठीक है। सर 83 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लेट्स गेट मोटिवेटेड, आप सबर रखोगे थोड़ा, आपका आपका डाउट ले लेंगे, ठीक है। पता नहीं कितने परेशान हो रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट, ए कैन रन 250 मीटर इन 25 सेकंड, बी 30 मतलब 250 मीटर ये 25 सेकंड में कवर कर लेता है और ये 30 सेकंड में। अब देखो आपके वैसे आपके जैसे ही क्वेश्चन है शायद, हाउ मेनी मीटर्स स्टार्ट कैन ए गिव टू बी, ए को सेम है ना क्वेश्चन, देख लो ए जो है बी को कितने मीटर की लीड दे सकता है अगर वो कह रहा है कि भैया हम दोनों साथ में पहुंचेंगे डेडलाइन पे। मतलब कि एक तरीके से समझो कि मैं ये बोल रहा हूं कि भाई इतनी आगे से भाग, कितनी आगे से वो पूछ रहा है, ठीक है। तो आप एक चीज समझो,
सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पांच सेकंड में जो डिफरेंस है, पांच सेकंड में जो डिफरेंस, आप ध्यान से देखो कि पांच सेकंड के डिफरेंस में 250 मीटर का है फर्क। मतलब अगर मैं गैप की बात कर रहा हूं, पांच सेकंड का है और यहां पे जब वो 250 मीटर भाग रहे हैं, ठीक है, मतलब ए जब 250 मीटर भाग रहा है या फिर बी जब 250 मीटर भाग रहा है तो 5 सेकंड का गैप है, ठीक है। अगर यहां पे आ किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर की, 1000 मीटर की रेस है, आप ऐसे समझ लो, तो आपने बोला अगर ये 1000 मीटर की रेस है तो यहां पे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 20 सेकंड, कितना आ गया 20 सेकंड। तो आप मुझे एक बात बताओ कि अब आपको क्या बोला है इसने कि भैया सीधा सीधा मुझे ये बताओ कि ए गिव बी, ठीक है, तो आप मुझे एक चीज बताओ, बी 30 सेकंड में 250 मीटर भाग रहा है, आपको चाहिए 20 सेकंड का गैप, आपको कितना चाहिए 20 सेकंड का गैप, तो आपने बोला इसको 2/3 कर देता हूं और इसको भी 2/3 कर दो, जैसे ही 2/3 करोगे तो 500/3 यानी कि आंसर कितना आ गया, ये आंसर आ गया, खत्म, सॉल्व, सॉल्व। सर स्पार्टन्स बैच कब आएगा, जल्दी आएगा, ठीक है, अभी सुपर 100 रहेगा, जनवरी के आसपास स्पार्टन्स बैच आएगा, ठीक है, 2023 की बात कर रहे हो आप लोग, अभी हमने 2022 पता थोड़ी कर लिया है, 2022 के लिए भी तो बच्चे जो हमने ले रखे हैं उनको नहीं पढ़ाए क्या, या छोड़ दे, ठीक है, फिर से देखो क्वेश्चन का मेथड देखो फिर से, ठीक है, 5 सेकंड का गैप था 250 मीटर जब भाग रहे थे, आप 1000 मीटर में 20 सेकंड का गैप बनाना है, गैप कितना बनाना है 20 सेकंड का, आपने बोला 30 सेकंड लगते हैं जब 250 भागता है, तो अगर मुझे 20 सेकंड का गैप बनाना था, मैंने इसको 2/3 कर दिया तो इधर भी 2/3 कर दिया, तो सीधा सीधा आपका ये आंसर आ गया, 5 क्वेश्चन हो गए, फटा, सुपर 100 कब से स्टार्ट होगा, मैं कल ही अनाउंसमेंट करने वाला हूं, कल अनाउंसमेंट कर दूंगा मैं, आज भी कर सकता था बट ठीक है, थोड़ा ना इसी चीज वजह से रुके हुए हैं, ठीक है, कल कर देंगे। नेक्स्ट, इन अ रेस साइक्लिस्ट है वो कवर करता है 500 मीटर 625 सेकंड में फर्स्ट लैप में, और सेकंड लैप में सेम लेंथ, ये तो रेस का क्वेश्चन ही नहीं है, ये टीएसडी का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, टीएसडी का ही पार्ट है रेस, कर देते हैं चलो, एवरेज स्पीड, ये तो हलवा क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, पहला लैप है दूसरा लैप है यानी कि 1000 मीटर, और टोटल टाइम की बात अगर मैं कर देता हूं तो 625 और 335 ये भी 1000 ही आ गया, यही आएगा ना जोड़ेंगे तो 625 335 नहीं 1000 नहीं आएगा, ये कितना आएगा, ठीक है ऑप्शन गलत है, फिर तो 625 300 900 नहीं ऑप्शन गलत है, यहां पे ना इस तरीके से आना, ये आना चाहिए था 375, टाइपिंग गलत है, 375 देना चाहिए था इसको, तभी ये इस तरीके से आएगा, 375 कर लो इसको, ठीक है, तो यहाँ पे 1000 तो काट दो तो 1 खत्म, कुछ नहीं है ये ऐसे ही आ गया बीच में, ठीक है। अब देखो रेस है 800 मीटर की, 800 मीटर की रेस है, राम शाम को 50 मीटर से बीट करता है, ये इसको मार्क कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसकी रीजन भी आपको पता चल गया होगा मैंने क्यों लिख रखा है ऐसे, जो हाल फिलहाल में जो एग्जाम हो रहे हैं इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सवाल है जब 800 मीटर की रेस है तो राम शाम को 50 मीटर से बीट कर रहा है, यानी आप ऐसे देखो इतना बढ़ो बस, आपने बोला देखो इसका मतलब यह है कि जब राम पूरे 800 मीटर भाग जाता है तो शाम 775 मीटर भाग जाता है, पहली लाइन का मतलब ये ऐसे पढ़ना है चुटकियों में, ओके okay। अब 600 मीटर की रेस है, अब शाम ने घनश्याम को, ठीक है, तो 600 मीटर की रेस में यानी कि जब शाम 600 मीटर भाग जाता है तो घनश्याम 560 मीटर भाग जाता है, पहला पॉइंट। अब उसने बोला कि कितने मीटर का राम बीट करेगा घनश्याम में, 400 मीटर की रेस करवानी है, बाद में देखेंगे, पहले इन दोनों को ज्वाइन कर दो, आपने बोला एक काम करो 10 से 10, यहां पे 15 आ गया, यहां पे 16 आ गया, यानी कि 16/15, और इसको भी काट देते हैं, यहां पे 15 आ गया और यहां पे 14 आ गया, यानी कि आप ऐसे देखो
एक है राम, एक है श्याम, एक है घनश्याम। और ये सब मैं इसीलिए लिख पा रहा हूं क्योंकि जो थ्योरी बताई थी कि टाइम कांस्टेंट है, इस तरीके से आप लिख पा रहे हो। तो आपने बोला कि देखो जब ये 16 यूनिट भागता है उतनी देर में ये 15 यूनिट भागता है और ये 14 यूनिट भागता है। आप चाहते हो कि 400 मीटर भागे ये, तो आपने बोला जब मैं इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी जब ये 400 मीटर भागेगा तो इसको भी 25 से मल्टीप्लाई कर दो 25 से, तो ये 350 मीटर। यानी जब ये 4, क्योंकि जब ये 16 भाग रहा था तो ये 14 भाग रहा था, तो आपने बोला जब ये 400 भागेगा तो ये 350 भागेगा, यानी 50 मीटर से हरा देगा, खत्म, इजी। ठीक है सर, आप बहुत वो हो, मान लो। ठीक है, धन्यवाद, मान लिया। ठीक है यार, देखो हर किसी की अपनी अपनी एक परेशानी चल रही है। कमेंट सेक्शन आप देखो कितना दुख है लोगों पे। ठीक है, बच्चे इतने ज्यादा परेशान है, जो स्पैमिंग कर रहे हैं वो इतने परेशान है क्योंकि उनकी बातों का कोई जवाब दे नहीं रहा। ठीक है, तो आप एक चीज समझो, कुछ चीजों के जवाब एक्चुअल में टाइम आने पे खुद मिल जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज तुरंत सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो इतना मैच्योर होना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, 1547, ऐसा लग रहा है जीके का क्वेश्चन है। 1547 मीटर की, 1547 मीटर की रेस है। अर्जुन है वो 78 सेकंड्स में भाग जाता है और जो करण है वो 91 सेकंड्स में भाग जाता है। यानी कि टाइम अगर हम बात करें तो 78 और 91, 13 से काटो इसको, यहाँ पे 7 आ गया और 13 6 78, 6 और 7, पहला पॉइंट। अब इसने बोला हाउ मच डिस्टेंस दस अरुण बीट करण, बहुत आसान है, मैं बताता हूं। टाइम का रेशियो है 6 और 7, तो आप बोलोगे स्पीड का रेशियो कितना आएगा, 7 और 6, और हमें पता है रेस के अंदर यही रेशियो डिस्टेंस का है। ठीक है, तो आपने बोला अच्छा अगर ऐसी बात है तो अगर मैं बोलू के 7 और 6, ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि कितनी देर में, मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो 7 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 1547 और एक यूनिट से हरा रहा है। डिस्टेंस को देखो, डिस्टेंस को एक यूनिट से हरा रहा है, तो 7 यूनिट की वैल्यू 1547 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7 × 14 1, खत्म, डन 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 डन, चोर बाजार से, हाँ बिल्कुल चोर बाजार से लिया जाएगा, हाँ बिल्कुल, नहीं एक्चुअल में अब छोड़ो क्या बोलूं, फिर बुरा लग जाएगा आपको, लीव इट। नेक्स्ट, अमित और बीनू कैन कवर अ 400 मीटर रेस इन 44 सेकंड। ठीक है, अमित और बीनू 400 मीटर की रेस 44 और 50 सेकंड में कवर कर देते हैं। चलो पहले आप ये करके दिखाओ, बहुत हो गया, आपके पास एक मिनट है, टेस्ट है आपका। ठीक है सर, मैं सीएसएल की तैयारी कर रहा हूँ पर अभी बिगिनर हूँ, स्पार्टन बैच यार बहुत, हाँ बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गुरु जी, बड़े मस्त लग रहे हो, धन्यवाद भाई। ये सब चीजें यार देखो, ये तो टाइम टाइम की बात होती है, आप पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। अगर आप मेरी 3 साल पहले की वीडियो देखोगे, मैं बिना शक्ल के आता था पढ़ाने यूट्यूब पे, ठीक है, और उसके बाद भी आप देखोगे तो साइड से बस नॉर्मल से आते थे, बच्चे तो देख ही अब पा रहे हैं ढंग से हमें, ठीक है, वरना तो बात ही कुछ और थी। ठीक है चलो खत्म कर देते हैं, शाबाश आंसर आने शुरू हो गए। सर एक ग्रुप में एनालिसिस में क्वेश्चन लीक हो रहे हैं, उसके अगेंस्ट एसएससी को मेल गया, कोई दिक्कत नहीं है यार। ठीक है देखो मैं आपको बताता हूँ, एसएससी ने बच्चों को बोल रखा है, गाइडलाइन फिक्स दे रखी है बच्चों को कि आप लोग किसी भी तरीके से लीक नहीं करोगे, बट बच्चे लीक करते हैं चीजें। ठीक है तो पर एसएससी कैसे, मतलब कुछ सोचो आप क्या ही करें। एनीवेज, अमित और बीनू कैन कवर 400 मीटर रेस इन इतने और इतने, व्हेन अमित फिनिश द रेस बीनू इज एट, ये तो बहुत आसान है। ठीक है आप ये देखो के 400 मीटर, अगर मैं बात कर रहा हूं 400 मीटर अमित 44 सेकंड में कवर करता है, और अगर हम बात करें के बीनू 50 सेकंड में, तो जब अमित ने फिनिश कर दी रेस
ठीक है, आप ध्यान से देखो, अमित ने फिनिश कर दी रेस। अगर मैं सेकंड्स की बात करता हूं, आप एक सिंपल सा लॉजिक लगा के रखो, ठीक है। आपने बोला, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा ये वाला ना, ठीक है, आसान है वैसे तो, सबने कर ही दिया 48। आप ऐसे देखो कि अगर 400 मीटर भागना पड़ रहा है जब यहां पे 50 था, तो अगर यहां पे 6 लाना है, मुझे 6 लाना है, तो आप बोलोगे इसको 6 बटे 50 कर दो। तो आपने बोला ठीक है, इसको 6 बटे 50 कर देते हैं, ठीक है। तो 10 से 10 8 8 6 48 सॉल्व। अब ये लिखा कैसे वो देखो आप, मैंने मतलब क्या किया, मैंने बोला 400 मीटर भागा जा रहा है 50 सेकंड में, तो 6 मीटर का डिस्टेंस, मतलब आप देख रहे हो ना इनके बीच का डिफरेंस कितना है 6 का, तो यहां पे 6 लाना था, तो 6 में कितना गैप आएगा, आपने बोला 48 मीटर का, खत्म, कुछ भी नहीं है ये तो। चलो और देखो, मैंने आपको ये 9 क्वेश्चंस कराए हैं, इसके अलावा और चीजें लेटेस्ट में तो नहीं है, ठीक है, आप इतना कर लोगे मोर देन इनफ है। आपको कंसेप्ट इसमें लगभग सारे ही लीनियर रेस के तो सारे ही मिल गए, ठीक है। अगर अच्छा रिस्पांस आ जाता है इन सब चीजों पे तो सर्कुलर का भी करा देंगे, बट सर्कुलर में तो 5 मिनट के कंसेप्ट है, 2 ही कंसेप्ट है, ठीक है, बट नो नीड, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट। आई होप के आप लोग बिल्कुल भी यूट्यूब पे फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जहां पर भी देखो जेन्युइन जगह देखो, सब काफी सारे लोग जेन्युइन भी हैं। आपका अगर एग्जाम है तो आप इस टाइम पे अपना टाइम खोटी नहीं कर सकते, वैसे भले ही कर लो, ठीक है। कल एक बच्चा बोल रहा था, सर आपने मेरे 24 सेकंड वाली स्ट्रेटेजी थी ना, वो बर्बाद कर दिए, ठीक है। तो ये वो बच्चे हैं, ठीक है, मतलब या तो बेचारा बहुत ज्यादा दुखी है किसी बात से, ठीक है, या फिर इसको क्या ही बोल सकते हैं, मतलब जो ये वो लोग हैं जो मतलब कि क्या ही बोलूं मैं आपको, ठीक है। 1400 वीडियो दे दी मैंने यूट्यूब पे, इनको वो नहीं दिखता, 24 सेकंड के लिए जो हमने एक मीम बना दिया उसमें वो रोने लग जाते हैं। तो हर तरीके के लोग हैं दुनिया में, आप चाहें तो इन इन लोगों से सबसे ज्यादा सीख सकते हो आप, क्यों, क्योंकि ये लोग आपको वो चीज सिखा देंगे जो आपके वेल विशर नहीं सिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। चलिए, एक टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन जो बोल रहे हैं, हालांकि सेकंड शिफ्ट तो इजी आई है और ये वाला क्वेश्चन भी इजी ही है, और बट स्टिल, क्योंकि मैंने इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में बता दिया था कि टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ रहा है, उसी को मेजॉरिटी थोड़ा सा स्किप करके आई या फिर उसमें डाउट है, बाकी सब सेकेंड शिफ्ट में मैथ सेक्शन बहुत ईजी आया है, राइट, बाकी सब कुछ पुराना, बहुत ही हल्का क्वेश्चन दे रहे हैं मैथ्स की सेकेंड शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे, वो अपन ने कर लिए। अब देखो, टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करते हैं तो एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बेसिक सा फॉर्मूला है। और सवाल किस टाइप का पूछा इन्होंने वो भी देख लो आप। एक ट्रेन है जो 66 किलोमीटर पर आर की स्पीड से कवर करती है 1485 किलोमीटर एक दिन में, और 5 स्टेशन पे रुकते हैं इक्वल इंटरवल पे टाइम के लिए, तो आपको बताना है कि एक स्टेशन पे कितनी देर की रुकेगी। हो सकता है किसी किसी बच्चे को ना इन अ डे वाली चीज के चक्कर में डेटा इनकम्प्लीट लगा हो, किसी किसी बच्चे को, कि भैया अगर इन अ डे दे रखा है, क्योंकि जब हम एग्जाम में होते हैं तो हमें आधी चीजें तो दिखती नहीं है, क्योंकि आप जब घर पे मॉक देते हो वो वाला एनवायरनमेंट और एज कम्पेयर टू आप पेपर देते हो उस एनवायरनमेंट में बहुत फर्क है, क्योंकि जब आप मॉक देते हो घर पे तो आपको किसी को अपना स्कोर बताना नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे कुछ ऐसा हो कि आपको स्कोर बताना हो, मैं बोलूँ कि हाँ पेपर दो, 2 घंटे बाद मुझे आपका स्कोर बताना मुझे कितना आया, तो आपको वही प्रेशर फील हो जाएगा, राइट, तो होता है कई चीजें नहीं दिखती। अब देखो, ये सवाल आसान है, लेकिन शायद जो बच्चों को इस वाली शिफ्ट में जो चैलेंजिंग लगा वो सिर्फ ये वाला पॉइंट लगा होगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब मैं आपको बताता हूं, पहली बात तो जो समय दे रखा है टाइम
24 घंटे दे रखा है कि 24 घंटे में कितना कवर कर लेगा, 1485, इतने में कर लेना चाहिए था, ठीक है। अगर वो, अब इसने बोला कि लेकिन स्पीड है आपकी इतने में कर लेता है वो, लेकिन स्पीड है 66, तो उस हिसाब से आप बोलोगे कि अगर टाइम अगर हम पूछें तो हम बोलेंगे कि डिस्टेंस यानी 1485 डिवाइडेड बाय 66, इतना टाइम रियलिटी में लगना चाहिए था, रियलिटी में कितना टाइम लगना चाहिए था, इतना लगा, कितना, इतना। तो इनका डिफरेंस जो है, अब मैं अगर डिफरेंस निकालूं तो आपको पता है डिफरेंस कैसे निकालोगे, आप बोलोगे 24 माइनस 1485 डिवाइडेड बाय 66, ये जो डिफरेंस है, ये जो समय ही आएगा, टाइम का डिफरेंस टाइम आएगा। तो आपने बोला अगर टाइम का डिफरेंस निकाल रहे हो, ये समय है जो उसने 5 स्टेशन पे रुका होगा टोटल समय। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, तो आपने बोला नीचे 66 आ गया, और 66 को 24 से करोगे तो 24 को 6 × 11 से कर दो, तो 144 × 11 से कर दो, 4, 8, 5, 1584 होता तो 100 हो जाता, लेकिन 1485 है, यानी 99/66, यानी आपको समय। अब हम क्या किस में निकाल रहे हैं, सब कुछ आर्ट्स में निकाल रहे हो, तो आपने बोला अगर आर्ट्स में निकाल रहे हैं तो 3/2, ये समय उसने 5 स्टेशन पे बिताया। तो आपको बोल रहा है एक स्टेशन पे कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा सीधा सीधा, अब यहां से यहां आ रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैंने बोला 3/2 × 60, ये मिनट्स में है, इतना समय उसने 5 स्टेशन पे, मतलब टोटल समय इसने इतना इतना रुकी है। अब आप बताओ अगर ये 5 स्टेशन के लिए है, मैंने बोला 5 स्टेशन के लिए है, और अगर एक स्टेशन के लिए पूछता है तो 5 से डिवाइड कर दूंगा, हो गया सवाल खत्म। तो आपने बोला ये 0 से 0, क्योंकि 10 आ गया, तो 6 × 3 = 18 मिनट, ठीक है, ये था सवाल, बहुत ही सिंपल था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। आपने बोला कि ये टाइम उसको लगा, दिस इज उसको लगना चाहिए था, मतलब कितना उसको लगना चाहिए था। अगर मैं बात करूं तो ऐसे भी कह सकता हूं कि t = t1 - t2, ये जो t मैंने निकाला, यानी कि ये जो चीज मैंने एक्चुअल में निकाली कि 3/2 3/2 आवर्स, तो आप ये बताइए 3/2 आवर्स टोटल 5 स्टेशन पे रुकने का समय था। अगर 5 स्टेशन पे रुकने का समय 3/2 आवर्स है, तो अगर आवर्स में पूछेगा तो मैं आवर्स में निकाल दूंगा, तो 3/10 हो गया। और अगर आप बोलोगे कि नहीं मिनट्स में बताओ, तो 3/10 × 60, तो 18 मिनट्स, कोई दिक्कत ही नहीं। करंट अफेयर्स रिव्यू, जो जो पता चल रहा है वो हम बता रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ अभी कौन सा क्वेश्चन आया है, कौन सी इमेज से क्वेश्चन आया है, मैं बता देता हूँ। लेट मी टेल यू, प्लीज सेशन को इतने लाइक कर दो आप, मैं बता देता हूँ, ये रहा, हाँ, इमेज नंबर नहीं पता, आर्ट एंड कल्चर की थर्ड इमेज है, उसमें उड़ीसा, उड़ीसा का इन्होंने पूछा है, इंपॉर्टेंट फेयर और फेस्टिवल की जो मैंने इमेज दी थी उसमें आर्ट एंड कल्चर का पार्ट 3 में आपको मिलेगा राजा परबा, इस पे क्वेश्चन आया है। तो ये इमेज है, देखो ये इमेज, अरे दिखेगी नहीं इसमें, तो हाँ, तो ये इमेज है, ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है, कंपाइल करके दिया हुआ है, तो ये सब चीज़ें आ रही हैं थोड़ा बहुत, अब 100% तो नहीं। चलो थैंक यू सो मच, और सेशन डिसमिस, बाय बाय, प्लीज़ सेशन को लाइक करना और कमेंट सेक्शन बताना, अगर कोई और दिक्कत हो तो बता देना मुझे, किसी और क्वेश्चन में दिक्कत है जो हमसे मिस हो गया आप लोग ही बता पाएंगे, ठीक है, ओके। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद, मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए टाइम स्पीड डिस्टेंस का बहुत ही कैलकुलेटिव जो पार्ट आ रहा है वो सिर्फ बोट एंड स्ट्रीम में से आ रहा है, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम। आप देखो अगर बोट एंड स्ट्रीम की बात करें, बी मतलब स्पीड ऑफ बोट, एस मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि जो बह रहा है पानी उसकी स्पीड। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि जैसे अगर नदी इस तरीके से बह रही है या पानी इस तरीके से बह रहा है तो आप इस दूसरी डायरेक्शन में बोट चल रही है, तो इसमें जो ओवरऑल स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड, वो होती है बी माइनस एस। एस माइनस बी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एस माइनस बी होगी तो बोट चढ़ेगी नहीं, आगे बढ़ेगी नहीं, उल्टी चली जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही डाउन स्ट्रीम की बात करें, अगर हम डाउन स्ट्रीम, ठीक है, ये अपस्ट्रीम था तो डाउन स्ट्रीम हो गया। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि जैसे नदी अगर इस तरफ बह रही है तो बोट भी इसी तरफ बह रही है, ठीक है, मतलब इसी तरफ जा रही है अपनी स्पीड से, तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड हो जाती है वो बी प्लस एस हो जाती है, राइट।
कुछ क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन है आपको दिखा देते हैं, पहला दूसरा तीसरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन आपके आए हुए क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक्जैक्टली पेपर में दिखने वाला है। तो पहले सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा और आपको एक चीज बता दूं कि मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि T1 प्लस T2 बराबर T लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अगर ये इक्वेशन है, तो इस टाइप की अरिथमेटिक में जब आप इक्वेशन बनाते हो कि अगर LHS में भी टाइम है, टाइम को जोड़ेंगे तो RHS में भी टाइम ही आएगा, ठीक है। और स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इधर मैं कह सकता हूं कि मान लीजिए जैसे D1 अपॉन और आपकी स्पीड आ गई, फिर D2 अपॉन आपकी स्पीड आ गई और यहाँ पे टाइम आ गया, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी चीज को मैं क्वेश्चन में यूज करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा। एक बोट है 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलती है, ठीक है, 5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलती है, 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलती है, 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलती है, और उसको समय जो लगता है, टाइम जो लगता है, उसको 36 मिनट लगते हैं, ठीक है। आपने बोला कि अगर वो 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलती है और 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलती है तो उसको 63 मिनट लगते हैं। एक तरीके से दो इक्वेशन बन सकती है मेरी रफ में, कैसे, मैं बोलूंगा जी 5 V-S 4 V+S और 36 मिनट, सिमिलरली दूसरी। तो आपने बोला ठीक है हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। अगर आप लोगों ने मेरी शिफ्टिंग की वीडियो देख रखी है तो उसी से मैं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने बोला यहाँ पर कि अगर 9x4 इधर लिखा हुआ है और 9x7 इतना लिखा हुआ है, अगर हम इसको इक्वेट कर दे, RHS को इक्वेट कर दे, यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे दो इक्वेशन बनेगी तो RHS इक्वेट कर देते हैं, तो उससे क्या फायदा होगा। आपने बोला यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 35 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका 32 हो जाएगा, और यहाँ पर 32 और 40। तो इसका मतलब ये है कि अगर पहले वाले केस में भी समय सेम लग रहा है, दूसरे वाले केस में भी समय सेम लग रहा है, तो आप ये बोल रहे हो कि जब अपस्ट्रीम 35 है और डाउनस्ट्रीम 28 है तो जो समय लग रहा है वो सेम समय में, अगर अपस्ट्रीम 32 है और डाउनस्ट्रीम 40, यानी कि आप ये कह सकते हो कि दो इक्वेशन बनेगी और उनका RHS बराबर है तो LHS भी बराबर हो जाएगा। तो मैं सीधा बोल रहा हूं कि 35 में से 32 चले गए 3 V-S, और अगर मैं यहां पे लिखूंगा 40 में से 28 चले गए 12 V+S। तो आपने बोला यहां पर इसको काट दो 4 से, यानी V+S कंपोनेंट और डिविडेंडो वाली इक्वेशन बन गई 4/1 की, यानी जैसे ही कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाओगे तो 5/3, तो आंसर मेरा आ गया 5/3, ठीक है। हो सकता है किसी किसी बच्चे को बाउंस गई हो, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैंने ये क्या किया है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पता है कि 35 V-S 28 V+S क्योंकि RHS बराबर है, तो इधर से मैं लिखूंगा 32 V-S और इधर से मैं लिख दूंगा 40 V+S। तो ये चीज सॉल्व करिए। अब इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन में। अगर 8.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलता है, ठीक है, 8.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलता है और 4.8 1 आर और अगर 17.5 डाउनस्ट्रीम और 9 किलोमीटर अपस्ट्रीम 2 आर, टाइम को फिर से इक्वेट कर दो, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 से कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 16.8 9.6। तो आपको पता चल गया कि अगर इनका डिफरेंस निकालूंगा कितना आएगा, 17.5 में से 7, तो 0.7 डिवाइडेड बाय B+S इक्वल्स टू, इनका डिफरेंस कितना आएगा, 0.6 डिवाइडेड बाय B-S। तो B+S और B-S की इस बार ये जो रेशियो निकल के आया वो 7 और 6 निकल के आया इधर से। तो आपने बोला कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दो, तो B/S का 13/1। तो हो सकता है कि बोट की स्पीड 13 किलोमीटर पर आर हो और स्पीड की 1, या फिर इसका मल्टीपल वेरीफाई कर लीजिए, किसी एक इक्वेशन में डाल दो। जैसे आपने बोला 8.4 डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको कर देता हूं, डाउनस्ट्रीम कितनी हो जाती है आपकी B+S 14, और अगर 4.8 डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम कितनी हो जाएगी, 13 में से एक गया 12, तो आपने बोला यहां पे 0.4 और यहां पे 0.6, ठीक है, तो आपका 1 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि यही स्पीड है, यानी बोट की एक्चुअल स्पीड 13 किलोमीटर पर आर है और स्ट्रीम की स्पीड 1 किलोमीटर पर आर है। अब इसने सवाल क्या पूछा, इसने बोला कि कितना समय लगेगा 13.2 किलोमीटर स्टिल वाटर में जाना है। तो आपने बोला कि टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 13.2, और क्योंकि सिर्फ स्टिल वाटर की बात है तो यहाँ पे केवल और केवल बोट की स्पीड से डिवाइड किया जाएगा, तो बोट की स्पीड 13 है,
तेरह दुनी 26, 13 चौक 52, 2.4 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल, आगे चलते हैं। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम समय, आपने बोला कि 6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलता है और 6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलता है, 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलता है, 2 घंटे लगते हैं, 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलता है, 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 14 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलता है और इसको लगते हैं 5 1/2 5.5 घंटे 11/2, चलो इसको 5.5 आवर्स ऐसे ले लेते हैं, 5.5 आवर्स, इसको भी आवर्स में ले लेते हैं और इसको भी आवर्स में ले लेते हैं, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे मालूम है कि अगर मैं टाइम को इक्वेट कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं टाइम को इक्वेट कर देता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 1 मिनट, ठीक है। अगर मैं टाइम को इक्वेट कर देता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा सीधा, आपने बोला कि अगर आप 2 और 5.5 का अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो आपने बोला एक तरीके से मैं 20 और 55 का ले रहा हूं, ये भी कह सकते हो कि 20 और 55 का, या फिर आप रेशियो ले रहे हो, जैसे आपने बोला कि भाई 2 और 5.5 है, ठीक है, तो मैंने बोल दिया 20 और 55, तो एक तरीके से मुझे इक्वेट करना है। इक्वेट करने का क्या तरीका है, आपने बोला यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाला कितना आ जाएगा 220, और यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपने बोल दिया ठीक है ये भी 220, यानी इस वाले को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इस वाले को यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो RHS इक्वल हो जाएगा, 22 इधर आ जाएगा, 22 इधर आ जाएगा। तो आपने बोला ये वाली वैल्यू आ गई आपकी 55, ये वाली वैल्यू आ गई 66, ये वाली वैल्यू आ गई 15 चौक 60, और ये वाली आपकी वैल्यू आ गई 14 28 56। तो आपको पता चल गया ओवरऑल अगर मैं 5 अपस्ट्रीम का मतलब बी माइनस एस को इक्वेट कर दूं, इनका डिफरेंस है ना 5 और यहाँ पे आपका डिफरेंस है 10, और अगर आप यहाँ पे बी प्लस एस कर दो, इसका मतलब है बी प्लस एस और बी माइनस एस का रेशियो है 2 और 1, ठीक है, या फिर अगर आपने यहाँ पर सीधा सीधा कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा दिया तो बी और एस का रेशियो 3 और 1, तो या तो 3 और 1 ही आंसर होगा, किसमें पुट करके देखेंगे इक्वेशन में, या फिर आपका आंसर आएगा इसका डबल, यानी कि ये भी हो सकता है कि 6 और 2 आ जाए। तो आपने बोला कि अगर मुझे यहाँ पर 2 घंटे लाने थे, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू लिख देता हूँ कि 5 को डिवाइड करूं, 6 को भी डिवाइड करूं और 2 लाना है, आपने बोला अगर मैं 3 और 1 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 3 और 1, तो अगर 3 और 1 मतलब कि आपकी 3 और 1 का कॉम्बिनेशन का मतलब है कि अपस्ट्रीम आपकी आ गई 2 पहले केस में जब मैं 3 और 1 को ले रहा हूँ, और डाउनस्ट्रीम आपकी आ गई 4, तो जब आप इसको काटोगे तो 2.5 यहीं पे हो गए, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आपने बोला 3 और 1 नहीं आएगा क्योंकि वो एक रेशियो है, तो 6 और 2 करके देख लेते हैं। 6 और 2 करोगे तो आपने बोला कि अपस्ट्रीम कितनी हो जाएगी 4, डाउनस्ट्रीम कितनी हो जाएगी 8, ठीक है, अपस्ट्रीम हो जाएगी क्योंकि बी माइनस एस 4 और डाउनस्ट्रीम हो जाएगी बी प्लस एस यानी कि 8, तो आपने बोला इसको भी अगर हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते 16/8, यस, यानी कि एक्चुअल स्पीड जो बी की दे रखी है वो 6 है और स्ट्रीम की दे रखी है 2। अब कुछ भी पूछे हमसे हम इजीली निकाल सकते हैं, तो आपको बोला 3.4 किलोमीटर स्टिल वाटर में जाना है, तो 32.4 किलोमीटर स्टिल वाटर में जाना है, यानी कि सिर्फ बोट से डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा, यानी आपने जैसे ही इसको 6 से डिवाइड किया तो 6 पंजे 30 और 5.4 यहां पर आ, तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बता दिया है, एक्सक्लूसिव तरीके से आपको बताया है, आई होप कि आप इसकी इज्जत करेंगे और पेपर में इसको करके आएंगे। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है आपको, हो सकता है 1 मिनट लग जाए इस क्वेश्चन को करने में, अगर 1.25 मिनट भी लगे तो आप छोड़ के नहीं आएंगे, आप करके आएंगे, कुछ क्वेश्चन जरूर ऐसे आएंगे जो ज्यादा टाइम मांगेंगे, लेकिन आपको कर लेना है, 2.5-3 मिनट लगाने की जरूरत नहीं है या फिर इसको छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और जो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ आप इसको अप्रिशिएट करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको अच्छा लगे। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद, मेरा नाम अभासनी है, वर्बल मैथ बाय अभासनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए ये 7 क्वेश्चन है, ये 7 के 7 क्वेश्चन अगर आप ढंग से कर पाते हैं तो बात बन जाएगी, ठीक है, और अदरवाइज अगर 1 या 2 क्वेश्चन में भी आप फंसते हो या टाइम ज्यादा लेते हो तो इसका मतलब आपके लिए सीखने के लिए काफी कुछ है, ठीक है। एक बेसिक सी बात कराता हूँ, वार्म अप बताता हूँ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैंने बोला कि टाइम कॉन्स्टेंट है या फिर मैंने ऐसे बोला कि सेम टाइम पे कोई 2 चीजें चल रही हैं तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि अगर जिस रेशियो में स्पीड रहेगी उसी रेशियो में डिस्टेंस रहेगा, समझ लो, या फिर आप ये कह लो कि हम
एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में समझाते हैं, ठीक है, कि एक थीफ है, उसको पुलिस मैंने देखा और वो उससे 480 मीटर दूरी पे था, पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए चेस करना शुरू किया, तो थीफ भी भागने लग गया, पुलिस भी भागने लग गई, ठीक है। अगर थीफ की स्पीड 19 है और पुलिस की स्पीड 23 है, तो बताओ थीफ को कितना भागना पड़ेगा अगर वो, और कब तक, मतलब पकड़ने से पहले वो कितना भागा होगा। आप मुझे बताइए, अगर मैं बोल दूं कि टाइम कांस्टेंट है, तो जो पुलिस है अगर वो 23,000 मीटर भाग रही है एक घंटे में, तो आप ये समझ लो कि जो चोर है वो 19,000 इतने मीटर भाग रहा है, यानी कि जो गैप है एक घंटे में, जो गैप है अगर गैप की बात करें 4,000 मीटर, यानी कि आप बोल दोगे कि अगर ये 480 की जगह, अगर 480 की जगह 4,000 लिखा होता, 480 की जगह 4,000 लिखा होता, 4,000 का गैप तब होगा, आप ऐसे देखो 4,000 का गैप तब होगा जब थीफ 1900 भागेगा, ठीक है, 19,000 मीटर भागेगा, ऐसे देखो, ठीक है। और आपने बोला, पॉइंट समझ गया ना, 4,000 का गैप तब होगा जब 19,000, तो 400 का गैप कब होगा, जब वो 1900 भागेगा, तो 480 का कब होगा, तो आप इसको यूनिटरी मेथड से कर दो कि 480 बटे 400 इंटू 1900, यानी इससे इससे कट गया, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 12 आ गया, 10 से 10 काट दो 0, 12 नहीं 108 और 10 और 2280। हो सकता है कि इंस्टेंट नया समझ में आओ, मैं दोबारा बता देता हूँ कि गैप 4,000 का तब होगा जब थीफ 19,000 भागेगा, तो गैप 480 का करना है, तो यूनिटरी मेथड लगा दिया। एक बार और देख लेते हैं कि एक बार फिर से थीफ ने पकड़ा, सॉरी थीफ ने पकड़ा क्या, थीफ स्पॉट हुआ, पुलिस मैन ने देखा 225 मीटर की दूरी पे है, भागना शुरू किया, अब फिर से आपने देखा कि स्पीड 11 और 13 की है, तो थीफ को कितना भागना पड़ेगा। आप एक बार बताओ, यदि मैं ध्यान से देखूं 11,000 और 13,000 मीटर, देखो मीटर एक घंटे में, तो आपने बोला कि यदि आप कह रहे हो कि 2,000 मीटर का गैप है, वो कब है, जब थीफ जो है, थीफ 11,000 मीटर भागता है, तो आप इस गैप को 2,000 की जगह आप चाहते हो कि 225 हो जाए, तो आपने बोला ठीक है, अगर मैं 1100 को 0 से 0 काट गया, 225 बटे 200 कर दूं, तो बात बन जाएगी, यानी यहाँ पर आपने बोल दिया है 25 से काट दो, 9 और 8 9900 बटे 8, 8 से काटोगे तो यहाँ पे 1 और 2 और ये ठीक है 1237.5 ये वाला आंसर 37.5, ठीक है ये वाला। एक और, अब 400 मीटर की दूरी पर है, अभी टाइप चेंज कर देंगे, ठीक है, पुलिसमैन ने उसको पकड़ना शुरू किया, वो भी भाग गया, ऐसे करके सेम ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए सारे ए टू जेड, ठीक है। तो आपने बोला कि जब 4,000 का गैप, अब कैसे 9 और 4, 4,000 का गैप बन रहा है, तब बन रहा है जब थीफ 5,000 भाग रहा है, तो 400 का गैप कब बनेगा, जब थीफ 500 मीटर भागेगा, सॉल्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखो थीफ को नोटिस किया, वही 650 मीटर के उस पर लैंग्वेज बदल जाएगी, अब कि थीफ ने भागना शुरू किया, जैसे उसने देखा पुलिस भाग रही है, तो यहां पर भी देखो आप कि जो गैप है वो यहां पर कितना आएगा, 8,000, और यहां पर अगर आप करोगे 10,500, यानी 2,500 का गैप कब हो रहा है, आप देखो 2,500 का गैप हो रहा है एक घंटे में, टाइम को ले लेते हैं आप एक घंटे में, यानी 60 मिनट्स में। तो आप बोलोगे कि अगर मैं इसको 12 बनाना चाहता हूं, तो 12 से कैसे करोगे, 5 से डिवाइड कर दो, तो 12 मिनट के गैप में 500 का गैप, और है कितने का, 650 का, तो 650 माइनस 500 150 आंसर, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आपने बोला कि थीफ है वो 200 है, और वही 10 और 11, यानी कि गैप जो है वो 1,000 का होगा, कब होगा, एक घंटे में, यानी 60 मिनट्स में, आप चाहते हो 60 मिनट्स की जगह 6 मिनट आ जाए, 6 मिनट, तो यहाँ पे 10 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे भी 10 से कर दो, तो 100 का गैप, 100, और आपने बोला ऑलरेडी 200 का था, तो 200 माइनस 100 आंसर आ गया आपका 100। एक और करते हैं, ठीक है, पुलिस अब यहाँ पे फिर से देखो ये 100 मीटर का गैप है, अगर पुलिसमैन ने देख, पुलिसमैन है 1 किलोमीटर भाग रहा है 8 मिनट में,
यानी कि अगर मैं 1 किलोमीटर की बात करूं 8 मिनट में, तो किलोमीटर पर आवर में देख लो 1/8 मिनट है ना, तो 60/8 यानी कि 7.5 की स्पीड है, और यहाँ पर भी 1 किलोमीटर भाग रहा है 10 की, यानी 60/10 यानी 6, यानी ये चोर है और ये पुलिस है। तो आपने बोला यहाँ पर भी 6,000 और इतना 1500 का गैप आ रहा है, कब आ रहा है, जब चोर 6,000 भाग रहा है। तो आप चाहते हो कि यहाँ पे 1500 की जगह 100 आ जाए, तो आपने बोला 1060 यानी 600 × 100/150, तो 2 और 3 यहाँ पर काटोगे तो कितना आएगा 200 यानी 400। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 7वां क्वेश्चन है कि पुलिसमैन उसको चेस कर रहा है चोर को, अगर चोर जो है वो 10 स्टेप लेता है, व्हेन जब जितनी देर में चोर 10 स्टेप लेता है पुलिसमैन 8 स्टेप लेता है, और 5 स्टेप जो है वो 7 स्टेप के बराबर है, तो रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ पुलिसमैन, स्पीड ऑफ पुलिसमैन और स्पीड ऑफ थीफ, आप बोलोगे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर करोगे तो आप ऐसे करके निकाल दोगे कि ये मेरा डिस्टेंस और यहाँ पर मेरा टाइम। ठीक है, तो आपने बोला कि एक तरीके से डीपी अपॉन डीटी इनटू में टीटी अपॉन टीपी। अब गिवन क्या है, आपने देखा पहले वाला पॉइंट है कि टाइम वाला दे रखा है कि अगर मैं यहाँ पर चोर का जो टाइम है, ठीक है, और जो मेरा पुलिस का टाइम है ये दे रखा है, तो आपने बोला टीटी अपॉन टीपी की वैल्यू 8/10, तो इसकी जगह 8/10 रख दो। और अगर मैं दूसरा, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि यदि डिस्टेंस की बात हो रही है कि 5D1 बराबर 7D1 की जगह आप लिख दो डीपी, और यहाँ पे लिख लो डीटी, तो आप डीपी अपन डीटी करोगे तो 7/5 यहाँ पर आ जाएगा, 56/50 काट दो इसको, आधा आधा कर दो, तो यहाँ पर 56/50 का करोगे 28/25 आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन बाबा आदम के जमाने के क्वेश्चन है, आपको इतना ही टाइम लगना चाहिए। अगर आप इतनी जल्दी सातों के सातों कर गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप टाइम ज्यादा लगा रहे हो तो इसका मतलब आप प्रीवियस ईयर को ढंग से एनालाइज कर नहीं रहे। अगर प्रीवियस ईयर भी, अगर आप प्रीवियस ईयर में भी इस टाइप के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एक्चुअल में टाइम लगता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें तोड़ निकल जाता है, अगर आप जिनका तोड़ निकल रहा है वो भी नहीं कर रहे तो फिर सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको एटलीस्ट जो क्वेश्चन आसानी से हो रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी कर लेना है। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड। प्लीज सेशन को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बताना। धन्यवाद।